सूत्रियाना देखने वाले सारे साथियों राम राम। दोस्तों जैसा आपने फेसबुक पर देखा हुआ, फिलहाल एक वीडियो वायरल हुई जो करनाल के अंदर किसाना पर लाठीचार्ज हुआ, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आने लग रहे थे, उसने लेके माई टूल के ऊपर आप पहुंचे यहाँ और पूछेंगे भाई आज एकदम तय इतना बड़ा लेवल पर सारे हरियाणा टूल टैक्स किस तरह बंद हुए हैं, सारी बात पूछेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब आपका नाम? यशपाल बेरवाड़ा भाई। भाई साहब एकदम तो हुआ है, प्री प्लान था कि मैटर है, मतलब प्रेजेंट टाइम को बताओ। ऐसा है जी, प्री प्लान है सरकार का, किसान तो अपने शांति प्रिय से आराम से बैठे हैं और बिल्कुल शांति प्रिय अपना धरना धर रहे हैं। हमारा कोई टोल बंद करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये सरकार है ना, मतलब बार बार हमारे साथ कुकरने कर रही है, छेड़खानी कर रही है। ये करनाल के अंदर हमारे किसान साथियों के ऊपर लाठी चार्ज करे है, कई बुजुर्गों के शहर फोड़े गए हैं, कईयों के हाथ पैर तोड़ रखे हैं। तो खट्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं भाई, जब हम शांति प्रिय से बैठे हैं तो वो क्यों हमारे को छेड़ रहे हैं? जब हम अपना आराम से शांति प्रिय से गाड़ी साधन सारे टोल खुले थे, ऐसा कुछ नहीं था कि आपने जो कहा भाई आपका कोई ऐसा पहले से प्लानिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारे किसान साथियों के ऊपर कहीं भी आप करनाल करें, जब कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे पंजाब राजस्थान कहीं भी किसान के साथ अत्याचार होगा, तो पूरे देश के प्रदेश के किसान सब उसी टाइम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, हम टोल बंद करेंगे। दोस्तों बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके ऊपर पूछेंगे भाई आज जो प्लान होया है एकदम तो होया है या फिर कोई घटना थी उसकी वजह तो होया है? ऐसा है जी, आपके चैनल के माध्यम से हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, जो ये सरकार छोटे हथखंडा बोत रहा है, यानी इसका जवाब देने के लिए जो आज करनाल में हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुई, ये सारे भारत के किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इसके अवेज में किसान भाई अपना संयम रखते हुए भाईचारे से अपना सारा हरियाणा का टोल आज इस आवाज़ के ऊपर एक आवाज़ पर बंद कर दिए गए आज, क्योंकि हमारा व्यवस्था ना बिगड़े, हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार टकराव चाहती है किसानों के साथ। किसान जब देश का पेट भरता है अनाज पैदा करके तो टकराव क्यों करेगा? वो तो खट्टर साहब तो क्या है, वो तो हमारे एक नुमाइंदे हैं, हमारी भूल हुई है उसको हमने मुख्यमंत्री का पद दे दिया, आदमी का बेरा पटा बरते पक्ष है, वो हमने बरत के देख लिया तो उसका सौदा भी क्या है बड़ा है। ये बात तो प्रधान जी 5 साल पहले बदल गया, दूसरी योजना लग गई इसकी, पहले समझ में नहीं आई थी वोट देने से पहले, कुछ नहीं सोची थी आपने? ऐसा है किसान की मतलब एक खेती करने वाला किसान अपना अनाज पैदा करता है, इन्हें बड़े बड़े लॉलीपॉप दे करके किसानों को बरगला लिया, भुका लिया, और किसान ने सोचा भाई तुम्हारे हितैषी होंगे ये, जब पता लग गया ये तुम्हारे हितैषी कौन है, अपने दुश्मन है। जब कानून हम मांग तो नहीं रहे कुछ भी, ऐसी कोई देश के ऊपर भारी बोझ तो नहीं पड़ता जो इस सरकार ने हाँप रही थी सारी बातों की, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, ये जो नोटबंदी करी है और इनका कर्जा माफ़ करेंगे, इस आवेज में आकर के किसान ने वोट दिया, इसके लिए दोबारा ये आज आ गए।